सर मिला है मुझे पहला नकली चक्रवर्ती जाना है तो वहीं से जहाँ से मैंने पहला पासा पिकअप किया था। मैं 21 तो अपने 20% कमीशन काट लिया और 85 तो हमने पहली बार उनको डिस्काउंट दे दिया। अब चलते हैं सोनीपत इंडस्ट्री एरिया से जा रहे हैं हम सदर बाजार। तो दोस्तों मैं विकास आप सभी का नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है दिन वीरवार का और अभी टाइम जो हो रहा है 10:15 और मैं लॉगिंग हो चुका हूँ उबर और पोर्टर में। तो लेट्स सी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और पहला ऑर्डर मुझे कब मिलता है और किस में मिलता है। तो फाइनली दोस्तों मुझे पहला पार्सल मिल चुका है, 106 रुपए का है। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो चलो चलते हैं फिर देखते हैं पार्सल क्या है, आपको बताता हूँ फिर। तो दोस्तों ये पार्सल मिला है मुझे पहला, नकली चक्रवर्ती जाना है, ज़्यादा नहीं 6 किलोमीटर की दूरी है। तो ये पार्सल पिकअप कर लिया है मैंने और मैं निकल चुका हूँ, आज रास्ते में ही हूँ। मैं क्या अपने दोस्तों को बता दूँ कि क्या पार्सल लिया, फिर बाद में बोलेंगे भैया पार्सल तो दिखाई नहीं आपने। तो लेट्स सी चलो पहुँच के फिर बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों पहला पार्सल डन होने के बाद वहीं से मुझे एक और पार्सल मिला था, पार्सल के आखिरी आदमी पार्सल नहीं कहना था, तो ज़्यादा नहीं अपने ही बंदे थे इसलिए कुछ नहीं लिया, जो है रेटिंग के हिसाब से ही लिया। और अब यहाँ पर मैंने समझ लीजिए दूसरा पार्सल भी डन है, अब वेट कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, हिसाब आ जाएगा तो पेमेंट की बात। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा कब मिलता। जैसे कि आपको बताया था दोस्तों कि मुझे पहला पार्सल मिला था नकली चक्रवर्ती का, क्या वहाँ मैंने पार्सल भी पिकअप कर लिया था, पिकअप करके मैं ड्रॉप भी कराया और ड्रॉप करने के बाद फिर भाई साहब थे अपने कॉलोनी के ही थे, तो उन्होंने बोला था वहाँ से हमारा बंदा भी है उसे ले आना, बट मेरे पास तो हेलमेट मैं रखता नहीं हूँ। तो मैंने भाई साहब को बोल दिया था कि अब देखो मेरे यहाँ पास हेलमेट तो नहीं है, हेलमेट दोगे तो ले आऊँगा कोई दिक्कत। तो उन्होंने हेलमेट दिया, फिर मैं उसे सामान दे के ड्रॉप करके वहाँ से बंदा भी ले आया हूँ। तो लच्ची अब मैं वेट कर रहा हूँ भाई साहब का, गए हैं नागलोई गए हुए हैं, तो आते हैं तो फिर मिनट लेते हैं, फिर निकला देखते हैं पार्सल कब का है कहाँ का मिलता है। तो पोर्टर कंपनी ने 106 में 21 तो अपने 20% कमीशन काट लिया और 85 दिए, 6 किलोमीटर का दायरा था, अच्छा है छोटे में ये ज़्यादा ही अच्छा, मान लो 6 दिया तो 85 दिया तो आपका ऊपर ही बैठ कितना बैठ गया, 20 रुपये के आसपास, 21 रुपये किलोमीटर के आसपास पड़ गया, तो अच्छा ही है जी। पोर्टर में यही है जितना पास मारोगे उतने किलोमीटर अच्छे मिलेंगे, जितने दूर मारोगे उतने किलोमीटर कम मिलेंगे। बस ये वेट कर दूसरा पास आते हैं भाई साहब। तो दोस्तों दूसरा पार्सल भी डन हो रहा है, इसलिए ऑफलाइन क्लोनी के भाई साहब से उन्होंने बोला यार गवाना में मेरा पार्सल जाना है तो थोड़ा देर रुक जाओ। तो वहाँ वेट किया, आधा घंटा रुकवाई दिया उन्होंने आखिर में, और आधा घंटा रुकने के बाद फिर मुझे एक पार्सल दिया, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। वो पार्सल मुझे भवाना सेक्टर 1 में देना था, वो देके फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तो उन्होंने बोला कि मेरा भवाना पार्सल जाना है तो आप ले जाओ, मगर ठीक है कोई नहीं ले जाऊँगा, आधा घंटा तो वेट हो ही गया था, बट कोई नहीं जब आपने कहा तो ले जाता हूँ। और ले गया 264 का दिखा रहा था, तो हमने पहली बार उनको डिस्काउंट दे दिया, हमने चलो कोई नहीं आप 10 रुपये किलोमीटर के साथ रुपये ना, 20-21 किलोमीटर पड़ रहा था तो हमने फिर से 200 रुपये ही लिए। बाकी अब यहाँ भवाना पहुँच गया हूँ, तो मैंने ड्रॉप किया था उनको, ड्रॉप करते ही 1 बज गया है सोनीपत इंडस्ट्री एरिया के लिए यहाँ से। तो अभी पिकअप पॉइंट पर हूँ, पिकअप पॉइंट पर पहुँच गया हूँ, पार्सल लेने के लिए रेडी हूँ। देखो पार्सल आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या पार्सल है, फिर चलते हैं सोनीपत इंडस्ट्री एरिया वहाँ जाएंगे। तो ये पार्सल है, इस पार्सल को लेके अब चलते हैं सोनीपत इंडस्ट्री एरिया और ड्रॉप करने के बाद फिर मिलते हैं। पार्सल दूसरा डन होता है पोर्टर का, ठीक है, और 215 का था, 18 किलोमीटर की डिस्टेंट था, और 215 में मुझे मिला है 172 रुपये, 43 कमीशन काट लिया 20% के हिसाब से। तो लस्सी अब मैं वेट कर रहा हूँ तीसरे पार्सल के लिए कि तीसरा पार्सल मुझे कब मिलेगा, और 3:44 हो चुके हैं तो देखते हैं अब तीसरा पार्सल कब मिलेगा। 2 पार्सल डन हुए हैं, 1 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन। तो ऑफलाइन का तो क्या, वो तो पार्सल किया था कस्टमर था, कस्टमर को पार्सल थोड़ी बोलेंगे, तो ऑफलाइन तो मैं गिनी लूँगा कोई दिक्कत नहीं, बट 2 पार्सल डन हो चुका है, तीसरे पार्सल की वेटिंग कर रहा हूँ, पार्सल की वेटिंग कर रहा हूँ आपका सोनीपत इंडस्ट्री एरिया में, देखे कब मिलता है। 1.5 घंटा वेट करने के बाद ये सदर बाजार का मिला है, 438 का है, यहाँ से 2 किलोमीटर से ऊपर पिकअप है, तो लेसी में पिकअप करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पार्सल क्या है। ये पार्सल है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कट्टा है
और 4-5 किलो का है, बटन है इसके अंदर। तो हम नथुपुरा से जा रहे हैं हम सदर बाजार नवीन स्टोर बटन स्टोर के पास, तो उनको ये पार्सल देंगे। पार्सल देने के बाद फिर वहाँ से घर का देखेंगे रूट, और यहाँ से है ये आपका 38 किलोमीटर। तो 38 किलोमीटर यहाँ से जाना है, 432 रुपए का बिल है, 432 रुपए का बिल है। तो भाइयों नथुपुरा, तो यहाँ से निकलेंगे, फिर आप वहीं मिलते हैं ड्रॉप करने के बाद। चलो लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों तीसरा पार्सल डन हो गया, पोर्टर का 438 का था, जिसमें 88 रुपए 20% कमीशन के हिसाब से काट लिया, 350 मुझे मिले। अब ये हूँ थाना रोड सदर बाजार पे, अब यहाँ से घर का रूट देखूँ, अगर घर का रूट में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर पे ही फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे टोटल हिसाब के साथ। तो इसी साथ बने रहे वीडियो के साथ, आगे देखते रहे, आप कंटिन्यू करते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो घर पे मुलाकात होगी आप। 30 किलोमीटर ठीक है, गर्मी तो फाड़ हुआ है, देखो अगर मिल जाए तो अच्छी बात। चलो ठीक है, मिलते आगे। वेट करने के बाद मुझे कोई घर का रूट नहीं मिला, तो मैं सीधा घर को चला आया, और घर को आके मैं आपको अब टोटल बता देता हूँ कि आज मैंने कितनी बाइक चलाई है, कितनी इनकम की है और कितने पार्सल डिलीवरी की है। तो लेसी मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो मैंने टोटल जो किए हैं पार्सल, ओटर में 3 पार्सल किए हैं, उबर तो ऐसे नाराज हो रखी है जैसे सोतन होती है वैसे नाराज हो गई है, बोलती नहीं है ना उबर, पार्सल तो बिल्कुल ही नहीं बोलती, पता नहीं क्या हो गया। ओटर रानी बोल रही है, तो उसने मुझे कल दिए 3 पार्सल। पहला पार्सल था मेरा 12:08 पे, जिसमें मुझे मिला गया था 106 रुपए का पार्सल था, जिसमें 20% कमीशन काट के 21 रुपए उनका हुआ और 85 रुपए मुझे दिया। उसके बाद मुझे एक ऑफलाइन पार्सल मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी कॉलोनी के ही भाई साहब थे, उन्होंने कहा था वह छोड़ने के बाद पार्सल नकली सकरावती में, तो वहाँ से एक बंदा लेके आना था, मतलब उन्हीं का बंदा था, तो वो एक पार्सल ऑफलाइन हुआ। फिर उसके बाद एक और पार्सल ऑफलाइन हुआ, भगवाना जाना था, उन्हीं का पार्सल था, पार्सल दिया मुझे, 200 रुपए का राइड पार्सल मिला, भगवाना सेक्टर 1 में जाना था। वहाँ से मुझे फिर एक और पार्सल मिला, वो आपका है दूसरा पार्सल मिला फिर मुझे 2:50 पे, जो की था 215 रुपए का, जिसमें 20% कमीशन काट के 43 रुपीज पोर्टर कंपनी ने लिया और 172 रुपए मुझे दिया गया। फिर उसके बाद जाता वही था नथुपुरा इंडस्ट्री एरिया था, नथुपुरा इंडस्ट्री था भवाना से, तो वहाँ ड्रॉप करने के बाद फिर थोड़ा वेट करने के बाद मैंने वेट किया, फिर मुझे वेट करने के बाद मुझे 4:30 बजे करीब 4:38 पे मुझे मिला एक आपका नथुपुरा से आपका सदर बाजार के लिए मुझे मिला, और वो अमाउंट था 438 का, और उसमें पोर्टर कंपनी ने अपना 20% कमीशन जो 88 रुपए होते हैं वो काट के मुझे दिए 350 रुपए। तो टोटली मुझे ऑनलाइन थे वो 3 पार्सल थे, और जो ऑफलाइन थे वो 2 पार्सल थे, तो टोटली जो पार्सल हुए वो डिलीवरी किए मैंने 5 पार्सल पोर्टर कंपनी में ही, तो 3 कंपनी के हो गए, 2 ऑफलाइन हो गए। तो आपको मैं टोटल बताना चाहूंगा, तो टोटल जो होता है हमारा पोर्टर में हमने जो टोटल मारे हैं 3 पार्सल के 607 रुपए, तो ये आपका होता है 85 + 172 + 350 + तो मैं जब नकली चक्रावती से मैं लेके आता हूँ, कस्टमर ने मुझे भाई साहब ने 100 रुपए दिए थे उसके, प्लस भवाना के मैंने ऑफलाइन छोड़ा था उसके 200 रुपए दिए थे, तो टोटल जो अमाउंट होता है आप मेरा वो होता है 907 रुपए। 907 रुपए की इनकम हुई है आज, तो उसमें मेरी जो बाइक पेट्रोल खाई है वो आपका अराउंड 200 रुपए का पेट्रोल, तो 707 रुपए की इनकम हुई है। और मैं 12 बजे मुझे पार्सल मिला था, और 12 से 6 बजे तक मैंने लास्ट पार्सल डिलीवर किया था, 7 बजे तक मैं अपने घर पे आ गया था, तो 7 घंटे की इनकम, 7 घंटे का टाइम हुआ, तो 7 घंटे में मुझे 907 रुपए की इनकम हुई, जिसमें 200 रुपए का पेट्रोल हुआ, और 907 रुपए में 200 माइनस करके तो 707 रुपए की इनकम हुई, तो 7 घंटे में 707 रुपए की इनकम हुई मुझे आज। तो लेट्स सी, अच्छा हुआ, पहले से तो बेटर है, आगे और भी अच्छा होगा, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी इसमें माइनस तो कभी प्लस भी होता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।